दरअसल गुम है किसी के प्यार में के सेट पर आग लगी थी, काफी भीषण आग लगी थी। ये अपडेट तो आपको कई सारे चैनल्स की तरफ से मिल गई थी और सभी ने ये आपको बताया था कि जो एक सीन होने वाला था बॉम्ब ब्लास्ट वाला, जो अजय फिट करके गया था विनायक के म्यूजिक सिस्टम में, उसकी वजह से ये आग लगी और उसकी वजह से सेट पूरी तरह से तबाह हो गया। लेकिन हम आपको बता दें, आग इस वजह से नहीं लगी थी, दरअसल आग लगी थी शॉर्ट सर्किट की वजह से। हम आपको बता दें, कई सारे चैनल्स ने, बड़े छोटे सभी चैनल्स ने यही खबर बताई है कि इसकी वजह से, यानी बॉम्ब ब्लास्ट के सीन की वजह से आग लगी थी। लेकिन हम आपको बता दें, शो के मेकर ने अपने इंस्टा पर एक अपडेट डाली है, एक न्यूज नोट डाला है जिसपे उन्होंने बताया है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। जैसे ही हमें ये खबर पता चली, हमें भी इस शो के पीआर, हम आपको बता दें हर एक शो का एक पीआर होता है जिससे हम कोऑर्डिनेट करते हैं, जिससे शो के सेट विजिट हमें मिलते हैं, शो के एक्टर से इंटरव्यूज मिलते हैं। तो उनसे जब हमने शो के पीआर से बात की तो उन्होंने भी यही पुष्टि की कि ये जो आग लगी है वो बॉम्ब ब्लास्ट सीन की वजह से नहीं बल्कि शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। जी हां, सेट पर एक छोटे से शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरा सेट तबाह हो गया। अच्छी बात ये थी कि किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ, किसी को किसी तरह की चोट नहीं आई, सिर्फ सेट पूरी तरह से तबाह हो गया। तो अगर आप भी ये सोच रहे होंगे कि उस बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से सेट पर आग लगी, उस बॉम्ब ब्लास्ट सीन की वजह से, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सही खबर यह है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से गुम है किसी के प्यार के क्या सेट पूरी तरह से तबाह हो चुका है। खैर, हम आपको बता दें, कोशिश की जा रही है सब कुछ जल्द से जल्द समेटने की, ठीक करने की, ताकि हमारा यानी आपका, हमारा, इस शो के फैंस का एंटरटेनमेंट ना रुक सके, एक भी एपिसोड ना रुक सके। इस शो से जुड़े सारे अपडेट्स हम आप तक लेकर आएंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।